मुस्लिम बाहुबली में आए हुए हैं या सुनने को मिला है आगामी दिनों में ईद उल अज़हा जो बकरीद पर्व है आने वाला है उसको लेकर तमाम मुस्लिम समाज में तैयारियां पूरी पूर्ण रूप से हो चुकी हैं। और सुनने में आया है कि आगरा की जो मंडी है बकरे की, जिसको हिंकी मंडी, मीरा हुसैन चौराहा, सदभट्टी आदि के नाम से पहचाना जाता है, यहाँ सदियों से शहर में बकरा आता है और यहाँ के शहरवासी बकरा खरीद के अपने अपने घरों पर ले जाकर कुर्बानियाँ करते हैं, उसी मौजू को मैं आज फॉलो करते हुए मुस्लिम समाज के समाज से भी से बात करता हूँ कि आखिर आने वाले ईद के पर्व को क्या तैयारी की गई है। सर आपका नाम? चंद्र साहब। आपका नाम सर? चौधरी चंद्र साहब। चौधरी ये बताइए, आगामी ईद का जो पर्व आ रहा है जिसको ईद उल अज़हा कहते हैं, उसके लिए आपने क्या तैयारी कर रखी है? ईद उल अज़हा की मैं सब शहरवासियों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि ईद उल अज़हा हम और सब खुशी से प्यार से मोहब्बत के साथ सब लोग मनाएं, क्योंकि ये त्यौहार जो होते हैं इनसे मोहब्बत का पैगाम जाता है। चौधरी ये बताइए, जो बकरा ग्रामीण क्षेत्र से व्यापारी लेकर आते हैं यहाँ मंडी में, और यहाँ खरीदार भी काफ़ी तादाद में नज़र आते हैं, और उसमें कुछ समय का अभाव होते हुए आप बकरा व्यापारी के क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? ये त्यौहार जो है, ये बकरा ईद का जो त्यौहार है, ये बकरों की खरीद और फरोख का त्यौहार है। खरीद और फरोख कोई छोटे से पैसे से नहीं होती है, बहुत थोड़े पैसे खर्च होते हैं, पर इसको इत्मीनान के साथ जो है खरीदारी होना चाहिए। बेचने वाले भी इत्मीनान से बेचें, खरीदने वाले भी इत्मीनान से खरीदें। पर जब बकरे की खरीदारी का टाइम आता है तो पुलिस जो है बेचने वालों को वहाँ से हटाती है, तो इसमें टाइम लगता है। ये बकरा मंडी कहाँ लगती है शहर में आपकी? ये बकरा मंडी शुरू से हिंकी मंडी, सदरभट्टी, मीरा हुसैन चौराहे पे लगती है। आप प्रशासन क्या मांग करते हैं खरीद फरीद के समय को लेकर बकरी? मैं कप्तान साहब से ये मांग करना चाहते हैं हम कि कप्तान साहब, ये जो खरीदने वाले और बेचने वालों के लिए ये कितना हो कि आसानी से लोग वो बेचे, खरीदने वाले खरीदे और बेचने वाले बेचे। अब जैसे लॉकडाउन का 10 बजे का टाइम है, अब 10 बजे लोग अपने कारोबार को 9-10 बजे तक बंद करके जाएंगे, तो तभी तो खरीदारी करेंगे, और उस टाइम बंद हो जाता है। तो मैं कप्तान साहब से ये मांग करना चाहता हूँ कि इसके अंदर बेचने वाले खरीदने वालों को टाइम दिया जाए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है खरीदने में बेचने में। जैसे अक्सर हमेशा होता था, समय का पता ही नहीं लगता, पूरी पूरी रात हो जाती है बेचते खरीदते। मैं उम्मीद रखता हूँ कप्तान साहब से वो इसके लिए जो है टाइम दिया जाए कि खरीद और खरीदने वालों को, फरोख करने वालों को कोई तकलीफ ना हो, ना कोई दिक्कत हो। जो दूर दराज से व्यापारी बकरा लेकर आते हैं और मंडी में अपना बकरा फरोख करते हैं, उसमें कोई असुविधा होती है कहीं उनको आने जाने के लिए? हाँ, उसके लिए जो है मैं कप्तान साहब से अर्ज करता हूँ कि उनको आने जाने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई उनको ना रोके ना कोई उन्हें तकलीफ दे। जैसे वो अपने आते हैं बेचने, वो अपने बेच के जाए, वैसे उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सुनने में यह आया है जो ग्रामीण क्षेत्र में बकरा व्यापारी आते हैं उनको यहाँ वापस होने में रात बिताना पड़ता है, तो वो कहाँ अपनी रात बिता सकते हैं और किसकी शरण ले सकते हैं, किसकी मदद ले सकते हैं, आप उसके लिए थोड़ा बताएं प्लीज। भाई, पुलिस प्रशासन हमारा एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी, और पुलिस और प्रशासन से हम उम्मीद रखते हैं कि वो सारे लोगों आने वाले ग्रामीण लोग जो है उनका पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग करें और उनको उनकी मदद करें और उनका साथ दें। ये चौधरी साहब, ये बताइए कि बकरा मंडी का क्या समय है जो ग्राहक खरीद ले और पैरोकार बेच दे, कितना समय है, मतलब शाम कितना टाइम तक बकरा मंडी सजती है या खरीद फरोख्त की जाते हैं बकरा? भाई,
भाई इस बकरा मंडी से हमको जो है तैयार बकलाने वाले लोग लाना शुरू कर देते हैं शाम से 7-8 बजे से, और 10 बजे तक वो तैयार हो पाती है। उसके बाद ग्राहक आते हैं, ग्राहक खरीद और फरोख करते हैं, तो मामूली बात है, 2-3 घंटे लगना तो बहुत छोटी बात है। क्या 10 बजे के बाद फिर पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन कराते हुए वहां से बकरा मंडी से खरीद फरोख करने वाले व्यापारियों को हटाने का प्रयास करते हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल करेंगे। हमारा जो प्रशासन का आदेश है कि 10 मई के बाद लॉकडाउन है, तो उनका काम करना तो लाजमी है। इसमें आप क्या चाहते हैं? मैं इसमें मान कप्तान साहब से अर्ज है हमारा कि इसमें समय दिया जाए, हमारे प्रशासन अधिकारियों को टाइम दे कि 2-3 घंटे हमको 11-12 बजे तक का 1 बजे तक का टाइम दे कम से कम, जिससे लोग खरीद करें और फरोख करें। ये थे समाज के चौधरी हाजी चंदा, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए आगरा प्रशासन ने मांग की है कि जो समय रात्रि 10 बजे तक लॉकडाउन का है, उसके बाद दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके कुर्बानी के लिए बकरा खरीदने बकरा मंडी आते हैं, उस फिर लॉकडाउन का समय हो जाता है, इस कारण खरीदार बकरा खरीद नहीं पा रहा है, बकरा बेच नहीं पाता है। इन्होंने आगरा प्रशासन SSP आगरा से मांग की है कि व्यापारी वर्ग बकरे की मंडी को दृष्टि को रखते हुए समय के अभाव को देखते हुए समय बढ़ाया जाए, जिससे खरीदार सुकून से खरीद सके बकरा और बेचकार अपने सुकून से बेचकर अपने घरों में बेचान कर सके। मैं अपना कैमरामैन अनिल पचौरी के साथ BPA न्यूज़, मोहम्मद अजीम भारती, आगरा।